वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने एक्सपर्ट लिया है लस्ट के जगह, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्ट्रगल स्टार्टिंग वही से होती है कि सब देखे जिमिन को शो कर जाते हैं, और जो जिमिन होता है उसके फेस वो बिल्कुल इमोशन लेस था, बट उसकी आईज में फुल रेंज और एफ और ना एंकर था इतना ज़्यादा कि वो अपनी आई से ना उन सबको किल कर सकता था। और वो ना सब बस जिमिन को देख के शौक थी कि उसका ऑरा फुली चेंज था, कहाँ वो घबराया हुआ जिमिन जो बहुत ज़्यादा डरता था, शायद अजीब इस तरह का था जो बहुत ज़्यादा न्यूडी टाइप था, बट यहाँ पे जो जिमिन खड़ा था वो तो ऐसा लगा था जैसे ये कोई जिमिन पुराने वाला जो जिमिन है वो तो बिल्कुल यही कोई और है। वो इस तरह सौरे समझे थे और बस जिमिन की तरफ घूर के देख रहे थे, वो फुली शॉक है, उनको समझ ही रहा था वो क्या कर रहे। और जो जिमिन होता वो ना बिल्कुल उनके सामने जाके ना खड़ा हो जाता, और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा था ना उसकी आईज में, और वो ना सबकी तरफ ना बस गुस्से से देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। और उसकी आईज में ना फुल वो देख सकते थे कितना ज़्यादा हेट है उन सब के लिए, और वो सारे ना कुछ ऐसे कुछ बोलने का ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे ना एक पर्सन आता है जो ना वो आता है कहता है सर, बोलता है कि बॉस हमने उसको पकड़ लिया। तो फिर ना जो जिन होता है उसकी आईज में इतना सा तो गुस्सा होता ना, वो उस गार्ड की तरफ देखते और कहते हैं उसको अंदर लाओ। उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा डीप और हस्की थी ना, जो सुन के ना वो सारे श्योर महसूस करते कि इतनी ज़्यादा डीप वॉइस और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रही थी उसकी वॉइस से, वो बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा था। तो उसके बाद वो पर्सन वहाँ पे आता है और जो जीवन होता बस उस पर्सन को देख रहा होता, और जो पर्सन होता ना वो बहुत ज़्यादा बैक कर रहा था इतना ज़्यादा। और वो इवन कि वो एक लेडी होती, जो लेडी थी जो इतना बैक कर रही थी, और जो जिमिन था वो बस उसकी तरफ देख रहा था, घूर के देख रहा था बहुत ज़्यादा, उसकी आईज में ना हेट था उस लेडी को भी लेके। और वो सारे बस देख रहे थे कि एक लेडी उसके सामने इतनी ज़्यादा मिड एज है, और जो जिमिन के सामने इस तरह बैक कर रही है, और जो जिमिन उसके सामने बिल्कुल ऐसे स्टैचू की तरह खड़ा हुआ है। और ना वो लेडी ना रोते रोते कह रही है ना मुझे माफ़ कर दो पार्क जी, में जी माफ़ कर दो आपने जो भी तुम्हारे साथ किया, बट प्लीज़ प्लीज़ अब तो तुम लोगों ने तुमने मेरे हस्बैंड को भी मार दिया, मेरे बेटे को भी मार दिया, बस मुझे छोड़ दो। तो फिर ना जो जिमिन ना हंसते हुए बोलते कि ना उन दोनों को मार दिया, तो तुम्हें अभी तो मरना ही पड़ेगा, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हारे हस्बैंड के पास तुम्हें पहुँचाना चाहिए, तुम तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ना, वही सर बोलते। और फिर ना वो बात सुन के सारे शो कर देते कि जिमिन इतना ज़्यादा हार्टलेस बन गया, वो एक मिड एज लेडी के साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है। और जो वो लेडी रोते हुए बोलती कि नहीं 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 मैं उनसे प्यार नहीं करती, तो मुझे बात भेजाओ के पास। तो फिर कहते जिमिन कहते ये तो बहुत गलत बात हुई, तुम्हारा बेटा था वो और वो तुम्हारा हस्बैंड था, इतनी भयानक मौत मरे वो मेरे हाथों, और फिर भी तुम ऐसे कह रही हो तो बहुत गलत बात है, तुम तो बहुत बड़ी वाइफ थी उनके लिए। वो इस तरह ना बोल के हंसने लगता है बिल्कुल एक ना साइकोपैथ की तरह हंस रहा था, और सारे बस वहीं पे ना देख रहे थे ये ड्रामा जो हो रहा था। और जो लेडी रोते रोते बोलती कि प्लीज मुझे जाने दो, फिर जो जिमिन होता कहते शट अप, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इन सारों ने टच किया, तो मैं तो मरना ही होगा। ये बोल के ना वो ना सीधा उसको ना शूट कर देते, और जो लड़कियों वो और जो लड़की थी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, और वहीं पर ना बिल्कुल गिर जाती है, और फिर ना वो रो रही होती है बिकॉज अभी ना उसको सिर्फ कंधे पे ना टच हो के गई थी, तो फिर रो रही होती कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो। तो फिर ना जिमिन कहता है ऐसे कैसे जाने दो इतनी जल्दी तो नहीं, ये बोल के ना वो उसकी दोनों आईज में शूट कर देता। और ये देखना वो सारे घबरा जाते वो सब थे, और वरना सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर ना देहा डर गया था, और वो ना बस चुप करके बैठा होता, उसको ना ऐसे हल्का सा ना शेकिंग होने लगे थे, उसकी जो बॉडी थी वो हल्की सी शेकी टाइप हो गई थी, और वो बस देख रहा था उस लेडी को, वो बहुत ज़्यादा ना उसकी आई से खून निकला था, वो चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा, जिससे ना उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसको और जेब को, और वो ना अपनी आईज टाइटली क्लोज कर लेते। तो फिर ना जिमिन उनके तरफ भी ध्यान था, और वो क्या कहता अपनी आईज क्लोज, तो वैसे किसी ने भी अपनी आईज क्लोज की तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ, तो ना वो सारे ना बस घबराए हुए थे और बस वहाँ चुप करके बैठे हुए थे। तो फिर ना जिमिन कहते तुम लोगों को समझ नहीं आई, तो फिर ना जो जो ना जेब और त्यांग स्लोली अपनी आईज ओपन कर लेते, और फिर ना बस नीचे सर झुका के देख रहे थे, कहते उस लेडी को देखो।
जो उसका हाल होने वाला है ना वही अब कुछ टाइम बाद तुम लोगों का होगा। ये सुन के ना सारे ना फुल शोर रहते और जीबिन की तरफ देख रहे थे, पर जीबिन अब उनको फुल इग्नोर करता है, उस लेडी की तरफ बढ़ने लगता है। और जो लेडी होता है वो चिल्ला रही होती है, उसकी आईज में उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। एज जीबिन है ना उसकी दोनों आईज में शूट किया था, इतने दूर से भी किया था और वो डायरेक्ट उसकी आईज में गया था। उसके बाद जो जीबिन है वो ना बस स्लोली ना ऐसे अपना हाथ लेके जाता है, अपने ना एक पॉकेट में लेके जाता है और वहाँ से ना एक नाइफ निकालता है, उस लेडी को ना बिल्कुल फ्लोर पे ना पुश कर देता है और उसके बिल्कुल साथ आके बैठता है और स्लोली उसका ना नेक को कट करने लगता है, जिससे वो लेडी चिल्ला रही थी। और उसी टाइम पे ना उसका ना वॉइस बिल्कुल बंद हो जाता है, जैसे जीबिन उसका फुली ना नेक काट देता है। और सारे ना बहुत ज़्यादा डर गए थे जीबिन का, ये बिल्कुल साइको वाला साइड देखे। जो जीबिन था वो इतना ज़्यादा गुस्से में था ना, वो उसके आईज लग रहा था और वो जब उन सब की तरफ देखता है तो वो सारे घबरा जाते हैं। वो कुछ करने जैसे खड़ा होता है ना और कुछ बोलने वाला था, तो वहाँ पे एक गार्ड आता है और कहते कि ना वो इस तरह बोलते, तो वो कहते क्या क्या हुआ है, तो वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो फिर ना वहाँ पे ना वो कहते कुछ ना जीवन के काम में बोलते हैं और वो सुन के ना वो फुली शॉक हो जाता है कि उसने क्या बोला। तो फिर ना जो ना वो गार्ड को बिल्कुल ही धक्का देते थे और फिर कहते तुम बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गई, ये बोल के ना बिल्कुल उसकी नेक को ग्रैब कर लेते, उसको ना हवा में ऐसे हल्का सा उठा लेता। तो फिर ना वो रोते कहते कि ना प्लीज़ सर प्लीज़ बॉस मुझे ना मारे, मेरे खुद की फैमिली है। तो फिर कहते कि ना तुम्हारी हिम्मत कैसे बकवास करने की। तो फिर कहते नहीं नहीं बॉस ये सच बात है, मेरे पास रिपोर्ट्स मैम आपको दिखा सकते हो। कहते कि ना वो डॉक्टर का है जिसकी ने मेरी ये रिपोर्ट्स दी हैं। तो फिर ना वो कहते कि सर सर वो अपने क्लिनिक में गए थे, जल्दी से उसे यहाँ पर ले गया वरना मैं तुम्हें यहीं के यहीं मार दूंगा। तो फिर ना वो कहती यस यस बस ये बोलते और फिर ना उसको छोड़ देते। और जो जीवन होता वो ना अभी उनके तरफ ध्यान नहीं दे, तो वो बस छोटा कि ना जो उस गार्ड ने आगे बात बताई। और फिर ना वो उन सब की तरफ देखने लगते हैं, एक घूर के देखते हैं और फिर ना वहाँ से चुप करके चला जाता है। और वो सब ना बस घबरा रहे होते हैं और सोच रहे थे जीबिन को क्या हुआ है और अभी गार्ड ने आके क्या बात की। और जीबिन का ये वाला डेवल वाला साइड देखे ना वो सारे घबरा रहे थे। और जो जीबिन ने बोला था कि अब नेक्स्ट भाई तुम्हारे जो इसके साथ आने वाला है वही तुम लोगों के साथ हो रहा है, और स्पेशली नामजून ना सिर्फ यही बात सोच रहा था। और फिर ना हल्के से ना जो जिन के कान में कुछ बोलता है तो फिर ना जिन भी ना वही बात सोचने लगते हैं। और जो वो दोनों ये बात सोचे थे कि ना वो जो जीबिन ने बोला था कि तुम्हारी वजह से इन सब ने मुझे टच किया, तो उनको समझ नहीं आता, वो तो उस लड़की को पहले ही दफ़ा देख रहे थे तो उनको ना ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। और ना यहाँ पे अब हम देखते हैं जीबिन का जो ना एक रूम में आता और बहुत ज़्यादा ना ड्रिंक करने लग गया था, तो उसका दिमाग ख़राब हो रहा था जो वो बात सुन के जो अभी उसको गार्ड बोल दिया था। और ना बिल्कुल 15 मिनट्स बाद ना उसको ना वॉइस आता है एक ना ऐसे अपने फ़ोन का, तो फिर उसको ऑन वो ना अटेंड करता कॉल। तो फिर ना वो उसी गार्ड का होता है, कहते कि ना सर मुझे ना वो डॉक्टर मिल गया, मैं उनको लेके आ रहा था। फिर कहते हैं ठीक है लेके आओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, ये बोलता। और फिर ना कॉल कट कर देता और फिर ना वहाँ से चला जाता, वापस बाहर आ जाते जहाँ वो सारे बैठे हुए थे। तो ना उनको देखने लगते बट उनको कुछ बोलता नहीं, उनके सामने ना बिल्कुल बैक करके खड़ा हो जाता है। और ना बिल्कुल 15 और मिनट्स बाद ना वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बट जो तेयंग और जो जेहोब था ना वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, ऐसे वो डेड बॉडी अभी भी उनके सामने पड़ा हुआ था। तो ना जो जीबिन ना फील कर पा रहा था कि ना उनके बीच में ना कोई ज़्यादा हलचल नहीं है, बट ये वो हल्के से उनके जब देखते हैं ना उनके फेस पे ना फेयर, तो फिर ना वो देखे बस एक स्मैक करता है। और फिर ना वहाँ पे ना वो डॉक्टर आ जाता है और फिर जो जीबिन होता है वो ना ऐसे ना शूट कर देता, फौरन उसी डॉक्टर को शूट कर देता उसके दोनों हैंड से, जिससे वो डॉक्टर जोर का चिल्लाता और ये देखे ना वो सारे बिल्कुल शौक हो जाते हैं। और जीबिन की तरफ देख रहा है, कहते इसी इन्हीं हाथों से ना मेरा गलत चेकअप किया था ना और मुझे वो गलत रिपोर्ट्स पकड़ाए हैं। तो फिर ना जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं नहीं रैंकिंग मैंने आपको बिल्कुल सही रिपोर्ट्स दी थी, आपने फालतू में किया। तो फिर ना जो जीवन कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, तो मैं पता भी है तुम बकवास क्या कर रहे हो, मैं एक बॉय हूँ तो मैं प्रेगनेंट कैसे हो सकता हूँ, इसलिए ना गुस्से से बोलते। और ये सुन के ना बाकी सारे शौक हो जाते, वॉट जीवन प्रेगनेंट है
तो फिर लोग सोचने लगते हैं कि बेटा जीवन के साथ सफर से हम अल्टीमेट हो, इसका मतलब जीवन हमारे बच्चे के साथ प्रेगनेंट है, और ना वापस जीवन के सामने देखने लगते हैं। और जो डॉक्टर रोते हैं बोलते हैं कि ना उसको पेन हो रहा था, जो जीवन कहता है कि ना बच्चों की तरह रोना बंद करो, अब सिर्फ तुम्हारे ना शोल्डर दोनों हैंड्स पे ना सिर्फ टच होगी, ये मैंने अभी तुम्हें जान से मारा नहीं है, तुम्हारे बिल्कुल हैंड के अंदर नहीं किया, कुछ टाइम बाद ये कट्स ठीक हो जाएंगे, बट ये मुझे ये बता कि बकवास कर रहा ना तुमसे रिपोर्ट्स गलत बनी है। तो फिर ना जो डॉक्टर तो कहते हैं कि ना आप किसी भी डॉक्टर से जाके चेकअप करा लें, आप कोई प्रेगनेंट है, आप चाहे जो कुछ मर्जी कर लें, मैं सच बोल रहा हूँ और मैंने कोई आपकी गलत रिपोर्ट्स नहीं बनाई। तो फिर नैची मैंने बस ना वहीं पे खड़ा हुआ होता है, उसके हाथ से ना अचानक से गन गिर जाती है और फिर ना वो जोर का ना चिल्लाने लगता है, और ना काफ़ी और चीज़ें पड़ी थी, टेबल्स वगैरह पड़े थे, तो उन सब को ना चिल्लाते हुए ना उन सबको तोड़ा होता है और ना चिल्ला रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता करके ना रो रहा होता है, और फिर ना फ़ौरन से अपनी गन उठाते हैं और फिर ना उन सब की तरफ ना ऐसे कर देता है, पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं तुम लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है स्टार्टिंग में, वो उन बिचेस की वजह से और अब तुम लोगों की वजह से, तो अब तुम लोग सब मरोगे, ये बोले लगते हैं। और अचानक से उसके हेड में ना बहुत इंसेंस पेन फील होता है और वो ना फ़ौरन नीचे गिर जाता है, तो डॉक्टर ना उसको फ़ौरन चेक करते हैं, तो फिर ना वो कहते हैं कि ना ये सब कोशिश हुए, तो फिर ना जो गार्ड होते हैं वो की तरफ दिखने लगते हैं उन सब की तरफ और उसको समझ नहीं आता, तो फिर ना डॉक्टर से वो ना अब देख रहे थे कि उनको समझ नहीं आता वो उनको खोल दें या फिर नहीं, तो फिर ना डॉक्टर कहते हैं अभी हमें ना इनको रेस्ट देना चाहिए, उनको शायद ना बहुत ज़्यादा ना मेंटल उन पे ना हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ना असर अचानक से असर पड़ा और बहुत सारे शॉकिंग बातें उनको पता चले, मे बी इस वजह से उनके हेल्थ उसके ना माइंड पे असर हुआ। तो फिर ना जो गार्ड्स होते हैं वो सरहा मिलाते हैं, फिर ना वहाँ से ना जीवन को ले जाते हैं और ना वो सारे ना वैसे के वैसे बंधे हुए होते हैं। और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हमें ना जीवन का पास्ट पता चलेगा। एज मैंने स्टार्टिंग से आपको जीवन का पास्ट नहीं बताया, तो अब मैं पता चलेगा कि जीवन अचानक से माफिया कैसे बन गया, तो ये सारा कुछ। और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, टाटा बाय।